प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 29 की 36 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लक्ष्मी जी को आशा थी घनी, जानो विछोहा न देसी धनी। अब चरणों लाग लक्ष्मी जी चले, प्यादे पाँव रोवे कल कले। लक्ष्मी जी को बड़ी आशा थी कि स्वामी मुझे वियोग नहीं देंगे। अब वे भगवान के चरणों में प्रणाम कर कलपति हुई पैदल ही चल पड़ी। इन समय बिरह कियो अति जोर, बड़ो दुख पाए कियो अति सोर। एक ठोर बैठे जाए दमे ए देह, भगवान जी सो पूरन स्नेह। इस समय उन्होंने अति विरह किया, उन्हें इतना दुख हुआ कि वह जोर से विलाप करने लगी, और भगवान के प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा रखकर एक स्थान पर बैठकर अपने शरीर को तपाने लगी। शीत धूप बरसा नागी ने, करे तपस्या जोर अति घने। स्नेह धर बैठे एकांत, एते सात भय कल्पांत। सर्दी गर्मी और वर्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। इस प्रकार भगवान के चरणों में स्नेह रखकर एकांत में बैठे हुए सात कल्प व्यतीत हो गए। तब ब्रह्मा जी खीर सागर आए, विष्णु पे बैकुंठ घर। ए प्रभु जी ए क्या उत्पात, लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत सात। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास वैकुंठ धाम में आए और कहने लगे, हे प्रभु, यह क्या उत्पात हो रहा है? लक्ष्मी जी सात कल्प से तपस्या कर रही है। भगवान जी बोले तब ताही, दोष हमारा कछुए नाही। तो भी बचन तुमको कहे जाए, लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए। तब भगवान ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पुनः क्षीर सागर ने कहा, फिर भी हमें तो आपसे ही कहना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत दुख पा रही हैं। ए तारोस तुम ना धरो, लक्ष्मी जी पर दया करो। तुम स्वामी बड़े दयाल, लक्ष्मी जी दुख पावे बाल। हे स्वामी, आप इतना रोष मत कीजिए, लक्ष्मी जी पर दया कीजिए, आप तो बड़े दयालु हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी जी दुख पा रही है। स्वामी जी ए ढील करो जीन, लक्ष्मी जी बुलाओ तत्छीन। चरण ग्रहे तब खीर सागरे, फेर ब्रह्मा विनती करे। हे स्वामी, अब विलंब न करे, लक्ष्मी जी को इसी क्षण बुला ले। तब क्षीर सागर ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए और ब्रह्मा जी ने भी बार बार विनती की। चलो प्रभु जी जाइए तीत, बुलाए लक्ष्मी जी आइए ईत। तब दया कर आए भगवान, लक्ष्मी जी बैठे जीन ठाम। चलिए प्रभु वहाँ चलकर लक्ष्मी जी को बुलाकर यहाँ ले आए। तब कृपा करके भगवान वहाँ चले आए, जहाँ पर लक्ष्मी जी बैठकर तपस्या कर रही थी। लक्ष्मी जी प्रणाम कर आए, श्री भगवान जी तब सन्मुख बुलाए।
लक्ष्मी जी चलो जाइए घरे, तब फिर रमा बानी उचरे। लक्ष्मी जी ने आकर उन्हें प्रणाम किया, तब भगवान ने उन्हें अपने सन्मुख बुलाया और कहा, लक्ष्मी जी चलो अब अपने घर जाएं। तब रमा ने पुनः वही शब्द कहे, धनी मेरे कहो वाही बचन, जीव बहुत दुख पावे मन, जो तप करो कल्पांत 21, तो भी जुबाना बले कहे जगदीश। हे स्वामी, आप मुझे वही बात बताएं जिसके लिए मेरा मन इतना दुखी हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम चाहे 21 कल्प तक तपस्या करो तथापि मेरे जीवा वह बात नहीं कर पाएगी। दिखलाऊ में चेहन कर, तब लीजो तुम हृदय धर, तब ब्रह्मा खीर सागर दोए, लक्ष्मी जी की बिनती होए, मैं तुम्हें अभिनय कर वह लीला समझा दूंगा, तब तुम उसे मन में धारण कर लेना। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों ने विनय पूर्वक लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी उठो तत्काल, दया करी स्वामी दयाल, अब जिन तुम हठ करो आनंद अंतस्करण में धरो। हे लक्ष्मी जी अब तत्काल उठ जाओ, दयालु स्वामी ने आप पर कृपा की है, अब आप हठ मत करो, अपने अंतःकरण में आनंद भर लो। तब लक्ष्मी जी लागे चरने, यों बुलाए ल्याए आनंद घने अति घने, तब ब्रह्मा खीर सागर सुख पाए फिरे, दो आए आप अपने घरे। तब लक्ष्मी जी भगवान के चरणों से लिपट गई। इस प्रकार भगवान उन्हें बुलाकर आनंद पूर्वक घर में ले आए। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर लौट गए। अब ए विचार तुम देखो साथ, ना बली जुबा बैकुठनाथ, ग्रही वस्त भारी कर जान, तो भी बचन ना कहे निर्वाण। हे सुंदर साथ जी, अब तुम विचार पूर्वक देखो कि वैकुंठनाथ की जीवा भी अखंड लीला को कहने में असमर्थ रही। उन्होंने ध्यान में अमूल्य वस्तु को तो ग्रहण किया, किंतु उसके विषय में निश्चित ही एक भी शब्द कह नहीं पाए। ना तो वैकुंठनाथ को कैसी खबर, बिना तारतम क्या जाने मूल घर, और भी खबर कछुए ना कही, तो भी नींद भारी कर ग्रही। वैसे तो विष्णु भगवान को अद्वैत घर की पहचान भी कैसे हो सकती थी, तारतम ज्ञान के बिना वे परम धाम की लीला कैसे जान सकते। अन्य लोगों ने भी इस लीला के विषय में कुछ नहीं कहा है, फिर भी भगवान विष्णु ने तो इस निधि को महान समझकर ग्रहण तो किया। बिना भारी कौन भार उठावे, मुख ते बचन कहो न जावे, जब भया कृष्ण अवतार, रुक्मणी हरण कियो मुरार। विशिष्ट आत्मा के बिना ब्रह्मलीला का महत्व कोई जान नहीं सकता, इसीलिए मुख से ऐसे वचन नहीं निकलते। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ, तब मुरारी श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया। माधवपुर व्याही रुक्मणी, धवल मंगल गावे सुहागनी, गाते गाते लिया व्रज नाम, तब पीछे भौम पड़े भगवान। रुक्मणी जी का विवाह माधवपुर में हो रहा था, उस समय सुहागिनी स्त्रियां मंगल बधावा गा रही थी। गाते हुए उन्होंने व्रजलीला का गायन किया, तब श्री कृष्ण भगवान
मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब नैनो आंसू बहुत जल आए, काहू पे ना रहे पकराए, सुख आनंद गयो कहूँ चल, अंग अंतस्करण गए सब गल। तब उनकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, वे किसी भी प्रकार संभाल नहीं पाए, उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए, जिससे विवाह के आनंद में भंग पड़ गया। तब सबकी ने पायो अचरज, यो लक्ष्मी जी को देखाया ब्रज, सोले कला दो स्वरूप पूरन, ए आए हैं इन कारण। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार भगवान ने लक्ष्मी जी को व्रज का अनुभव कराया। 16 कला से पूर्ण वे स्वयं और लक्ष्मी जी इस प्रकार ये दोनों स्वरूप इसी रहस्य के लिए अवतार लेकर आए हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 29 की 55 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।